मसीही लोग कभी फाइनेंशियली बरकत नहीं पा सकते अगर वो टाइथ को नहीं बोएंगे तो। कभी भी मैं आपको मैंने प्रार्थना करने वाले प्रेयर वॉरियर्स, ब्रोकन टूटे हुए गरीब, इतने गरीब देखे हैं कि आप बोलेंगे कि ये क्रिश्चियन नहीं हो सकते। प्रार्थना वॉरियर की बात कर रहा हूं, रियल प्रेयर वॉरियर्स, सामर्थी प्रेयर वॉरियर्स। उन्हें लगता है प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारे पास है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन से कभी हटता नहीं। अगर उसने कहा है बाइबल में मलाकी में कि अगर तुम टाइथ बोगे तो मैं आसमान की खिड़कियां दरवाजे खोल के डैम गेट खोल दूंगा। डैम के पीछे पानी होता है लेकिन अगला हिस्सा कई बार सूखा हुआ होता है अगर डैम वाला बंदा उस गेट को ना खोले, स्लूस गेट उसे बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा पीछे तो पानी है पर आगे सूखा रहेगा सारी उम्र। परमेश्वर तो आशीषों से भरा हुआ है, वो तो राजाओं का राजा है, लेकिन तुम रंक की तरह, तुम एक भिखारी की तरह जीवन बिताओगे अगर तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे तो। जब तुम मानोगे मैं स्लूस गेट खोल दूंगा, मैं डैम गेट खोल दूंगा, वो पानी पानी हो जाएगा, पीछे का पानी आगे आ जाएगा, बरकत आ जाएगी, परमेश्वर के वचन ने लिखा। अब मानना ना मानना हमारी इच्छा है, अब मानना ना मानना हमारी इच्छा है। वो हमें वो प्रेशराइज नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अपना काम कर लेगा। अगर एक व्यक्ति नहीं करेगा वो दूसरे के दिल में डाल देगा। उसका काम ना पैसे की वजह से रुकेगा, उसका काम ना लोगों की वजह से रुकेगा। हमें ये सोच के चलना है अगर मुझे प्रिविलेज मिल रहा है सेवा करने का तो ये मेरा फायदा है, ये मेरा बोझ नहीं है। अगर मैं बोने का प्रिविलेज ले रहा हूं, मौका दे रहा है प्रभु मुझे, तो मेरा प्रिविलेज है, ये मेरा मौका है। अगर मुझे सेवा करने का चांस मिल रहा है ये मेरा प्रिविलेज है, ये मुझ पे दया है, ये मुझ पे फेवर है, ये मुझ पे बोझ नहीं है। डिलाइटफुली, चेयरफुली, आनंदित होकर जो सेवा करेंगे उसकी सुरक्षा को देखेंगे ऐसी जो कभी नहीं देखी। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ,